Okay, good evening. Now let us start today's session. Just wait, I'm seeing the screen. Okay, can you see the screen now? Yes, sir. Yes. Okay, fine. So this was the worksheet which I have given you a day before yesterday. The first question, yes. Now I want the answer from all of you. Those who have attempted, try to give the answers. First का answer क्या आया? 2.13. Yes. 2.13. 2.13 ohm. और किसी का? इसके अलावा? किसी ने try किया हो? सर 2.19 और के अलावा 2 से आसपास के अलावा किसी का कोई आंसर 2.1 2.2 के अलावा तो किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा. चलो चेक करते हैं. हालांकि आंसर यही आएगा 2 पॉइंट के आसपास ही आएगा बट मेरा जो आंसर आंसर शीट में जो आंसर गिवन है दैट इज 2.0. एक बार चेक कर लेते हैं. ओके क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ आपको फाइंड आउट करना है. लेंथ इज गिवन टू यू एज 100 मीटर एंड द डायमीटर डायमीटर कितना है 1 mm. Okay, so diameter is 1 mm, length is 100 meter, and you have to find out the resistance of the wire. Copper wire है. Copper wire का आपको table देखना है. Row copper कितना given है अपन को? 1.62 × 10⁻⁸. 1.6 × 10⁻⁸. ये गिवन है. एक बार देख लो आपके बुक के अंदर आपके पास 1.62 है ना. एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ. 1.62 × 10⁻⁸ ओम मीटर के अंदर ये वैल्यू गिवन है. इसको 1.62 कर दे. ये वैल्यू आपको गिवन है. नाउ यू हैव टू यूज द फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. अच्छा ये डायमीटर गिवन है तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 mm और इसको कन्वर्ट कर दो तो 0.5 × 10⁻³ - 3 मीटर. तो मेरे पास रेडियस आ गया तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.5 × 10⁻³ - 3 का. ये रेजिस्टेंस है 1.62 × 10⁻⁸. लेंथ हो गया 100 मीटर अपॉन एरिया हो जाएगा पाई इनटू 0.5 × 10⁻³ - 3 इनटू का स्क्वायर. यहाँ तक किसी को दिक्कत? पाई को आप रिप्लेस कर सकते हो सर 4 से. जब आप इसको कैलकुलेट करो तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 2.04 एग्जैक्ट आंसर आएगा. तो अगर 2.19 आ रहा है या 2. और क्या बताया था आंसर 1.3 तो ये चलेगा. इतना अप्रोक्सीमेट आपको बस यहाँ लिखना है. पीछे लिख देना अप्रोक्स बिकॉज ये लंबी कैलकुलेशन होगी तो दिस आंसर विल बी एक्सेप्टेबल. इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये सेकंड क्वेश्चन. किसी का आया आंसर? देखो इंटरेक्टिव क्लास 4 ओम. अगर ट्राई किया तो फिर आंसर देने में कहाँ दिक्कत आ रही है सर? 4 ओम. 4 ओम इज द राइट आंसर. और किसी का आ रहा है 4 ओम? मेरा मींस कुमकुम. ओके हाँ. और अश्मिता पलक ट्राई नहीं किया क्या? सर 4 ओम नहीं आ रहा.
फोर ओम नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है? कुछ तो आ रहा होगा ना. 2.4. और कोई फलक? लगता है पलक ने ट्राई नहीं किए क्वेश्चन. एनीवे आंसर टू देखो एक बार क्या कह रहा है. क्वेश्चन को रीड करो वापस. देयर इज अ 6 वोल्ट बैटरी गिवन टू यू. ठीक है क्वेश्चन को समझना अच्छा है. 6 वोल्ट बैटरी है कनेक्टेड अक्रॉस अ लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड एन अननोन रेजिस्टर. द करंट इन द सर्किट इज दिस. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द अननोन रेजिस्टर व्हिच मस्ट बी यूज्ड. तो देखो आपको एक रेजिस्टेंस तो दे रखा है 20 ओम और एक का अपन को पता नहीं है और वही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया. ठीक है अगर लैंप और रेजिस्टेंस आपके दोनों सीरीज में है और करंट की वैल्यू आपको गिवन है वोल्टेज गिवन है तो देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है अपन को. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ वी इक्वल्स टू 6 वोल्ट एंड आई इक्वल्स टू 0.25. तो ओम्स लॉ से वी कैन से व्हाट V is equals to I into R equivalent and R equivalent किसके बराबर होगा? मेरे पास जो resistance है lamp का R1 plus R2 resistance मेरा unknown जो मुझे नहीं पता है. Yes or no? So R equivalent yes, sir. मुझे R lamp given है कितना 20 ohm plus ये R unknown मुझे नहीं पता. Unknown नहीं पता वो मुझे find out करना है. इसी की value तो question में पूछी है. ठीक है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ फिर R इक्विवेलेंट की वैल्यू इसमें रख दूंगा और फिर यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है तो यही करना है अपन को. सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाला मैंने 6 upon 0.25. तो कितना हो गया R इक्विवेलेंट मेरे पास 24. अश्मिता समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके okay. ये 24 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूँ. नहीं हो गया 24 इक्वल्स टू 20 प्लस आर अननोन. तो आर अननोन कितना आ गया मेरे पास 24 माइनस 20 दैट इज आर अननोन रेजिस्टेंस जो मेरे पास था वो कितना यूज किया होगा मैंने 4 ओम. ऐसे ही किया सबने क्या कोई दूसरा yes, मेथड? किसी को कोई प्रॉब्लम? कैसा आया ये 4 ओम? लक्ष्य समझ आ रहा है? यस सर. ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ. सर 2 एम्पीयर एंड 12 वोल्ट. 2 एम्पीयर एंड 12 वोल्ट परफेक्ट आंसर गिवन बाय प्रियांशु. वेरी गुड. और किसी का? मेरा भी सेम यही आया. कुमकुम का भी यही आ रहा तो कुमकुम पहले आंसर दिया करो. और किसी का? अश्मिता मेरा भी यही है. सर यही है. यही है पक्का? हाँ. चलो तो ये सॉल्व करने की जरूरत है क्या मुझे? नो सर. चलो मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे 2 एम्पियर और 12 वोल्ट इज द आंसर. जिसका नहीं हुआ है वो एक बार चेक कर लेना. आंसर यही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 4. चार पार्ट है इसके 1, 2, 3, 4. पहले का आंसर बताओ. 2 एम्पियर. ओके फर्स्ट का आंसर सबका 2 एम्पियर है. यस सर. यस सर. ओके सेकंड पार्ट का आंसर 2 एम्पियर. सर 2 एम्पियर सीरीज में है तो 2 एम्पियर हो जाएगा. कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये देखो कनेक्शन सीरीज में है ना. तो यहाँ पे अगर 2 एम्पियर आ रहा है तो इसमें भी 2 एम्पियर ही होगा. आर की वैल्यू 3 ओम. 3 ओम. 3 ओम आ रहा है सबका. यस सर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? 16 वोल्ट. वेरी गुड 16 वोल्ट इज द राइट आंसर. सभी के आंसर यही आ रहे हैं? यस सर. ओके चलो नाउ द फिफ्थ. फिफ्थ का आंसर बताओ. फर्स्ट पार्ट का
क्या हुआ सर? नहीं सर, 12। क्या हुआ प्रियांशु? सर 12 ओम आ रहा। 12 ओम इज द राइट आंसर अश्मिता। प्रियांशु आपका क्या आ रहा है बेटा? सर मेरा सॉल्व ही नहीं हो रहा। सॉल्व नहीं हो रहा तो कुछ सॉल्व कर लेते हैं। चलो कुमकुम आंसर। कुमकुम कहाँ गई? चलो कोई बात नहीं, चलो सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रियांशु पे अटेंशन हियर, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले मेरे को देखो, सर्किट देखो, ये मेरे पास 6 वोल्ट की एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट गया, 7.2 इज माय R1। उसके बाद 8 ओम और 12 ओम आपस में कैसे है? पैरेलल में, और फिर ये करंट है। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस जैसे अपन ने सॉल्व किया था पहले, इन दोनों का मैं निकालूंगा और फिर उसको सीरीज के साथ इसमें ऐड कर दूंगा, है ना। तो फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? आर जो टोटल हो जाएगा, आर इक्वल होगा 7.2 यानी कि प्लस ये दोनों का मैं मिला के बोल रहा हूँ आर इक्वल, है ना, या आर पैरेलल बोल देता हूँ। तो ये आर, पहले मुझे आर वन तो मुझे डायरेक्टली पता है, आर थ्री की वैल्यू फाइंड आउट कर। तो RP कैसे फाइंड आउट करते हैं? R इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/12। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 24, ये हो गया 3 प्लस 2। तो RP की वैल्यू हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 5, जो कि कितनी हो जाएगी? 4.84। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो उसका कितना हो गया? 4.8 हो। तो अब मेरे पास R टोटल पूछा है। तो R टोटल, R1 कितना है? 9.2 प्लस 4.8, इसको ऐड कर दे। आर यानी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मेरे पास कितना आ गया? 12 ओम इज द आंसर। यस इजी है, हो जाना चाहिए था ये तो, जब ऊपर वाले क्वेश्चन हो रहे थे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, अब तो कुछ है ही नहीं, ओम्स लॉ। तो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट यहां कर देते हैं। सो बाय ओम्स लॉ I will be equals to V by R, or R कितना है? 12, तो I कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पीयर, ठीक है? ये आ रहा है आंसर? Yes. And what about the third part? Potential difference across R1, यानी अगर मैं R1 के across एक वोल्टमीटर लगाता हूँ तो उसके अंदर रीडिंग कितनी आएगी? अब मुझे R पता है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो पता है, तो सिंपल सा V इक्वल्स टू आई आर लगा दो। आई आर वन, आई कितना है? 0.5। आर वन कितना है? 7.2। 3.6 0.5 यानी कि 3.6 वोल्ट इज दी आंसर। यानी यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है? 3.6, और इसको कितना मिल रहा है? अगर आन लो एक फोर्थ पॉइंट और बोल देता, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैसे करते? या तो फिर ऐसे ही करते, V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट करके, आर पी करके, या फिर एक डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर 3.6 यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, टोटल 6 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3.6 3.6 यानी कि 2.4 वोल्ट। यस और नो? यस यस। इस तरीके से आप दिमाग लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, सारा कुछ अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्या है 6 के आंसर? फर्स्ट का सर, फर्स्ट 0.5
नहीं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं फर्स्ट का आंसर करंट थ्रू द 0.5 एम्पीयर एंड चलो नाम कर देते 10 ओम में बता दो कितना है और पहले 10 ओम को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है और यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है और ये I की वैल्यू की मतलब अश्मिता यस सर आंसर बताओ तुमको आंसर सर 0.5 इसमें आई वन का या आई टू का आई वन का 0.5 कैसा आएगा बेटा 0.5 यानी कि आधा आधा करंट जा रहा है आपके हिसाब से वो कब होता है जब इसमें रेजिस्टेंस इक्वल होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस अनइक्वल है ना 0.4 0.4 एम्पीयर तीन वाले में और 0.6 एम्पीयर 10 वाले में वेरी गुड 0.6 एम्पीयर जाएगा 10 ओम वाले में और 0.4 जाएगा 15 देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको कैसे क्या कुमकुम आपने मैंने पहले रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस निकाला आज थोड़ी धीरे आ रही है क्लियर बोलो टोटल रेजिस्टेंस निकाल कर फॉर्मूला लगाया ओके ठीक है और कोई तरीका एक तो जो कुमकुम ने किया वो कर सकते हैं कि आप सबसे पहले क्या करो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालो फिर 5 ओम के साथ सीरीज में करो टोटल करंट आपको पता है तो वोल्टेज आ जाएगा फिर कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा बचा हुआ इनको मिलेगा फिर आप वोल्टेज पता है रेजिस्टेंस पता है तो आई वन आई टू आ जाएगा एक तरीका तो ये है बट एक और तरीका है क्या है वो ध्यान से सुनना कि अगर मैं सिर्फ इस रेजिस्टेंस की बात करता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या वो कॉन्स्टेंट होगा yes. I am saying 10 ओम और 15 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो कॉमन होगा ना 10 सेम होगा तो yes. क्या ये इक्वेशन लिख सकता हूँ V equals to I1 into 10 और इसको R1 बोल देता हूँ चलो एक बार ये R1 है मेरे पास और ये R2 ठीक है तो V equals to I1 R1 also it is equals to I2 R2 क्या ये लिख सकता हूँ मैं आई वन अपॉन आई टू इक्वल्स टू आर टू अपॉन आर वन यानी कि यहाँ पे देखो करंट कैसे डिवाइड हुआ आई वन के अंदर प्रोपोर्शनल जा रहा है आर टू के इनवर्स रेशियो में यानी जिसके यहाँ पे देखो 10 ओम है और यहाँ 15 ओम है ठीक है तो ज्यादा करंट किसमें फ्लो होगा आई वन में या आई टू में रेजिस्टेंस देखो क्या रेजिस्टेंस ज्यादा कम फ्लो होगा यानी आई टू की वैल्यू कम होनी चाहिए आई वन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इक्वल कब होता जब ये भी 10 ओम होता और ये भी 10 ओम होता तब मैं कह सकता था कि इक्वल करंट फ्लो होगा बट यहाँ पे क्योंकि एक 10 ओम है यहाँ 15 ओम ठीक है तो एक सिंपल सा मैं तरीका बता दो इनवर्स रेशियो के अंदर करंट डिवाइड हो जाएगा इनवर्स रेशियो का क्या मतलब है अगर मैं बात करूँ 10 और इसका क्या कहते हैं 15 का तो 10 और 15 का रेशियो क्या हो जाएगा 5 2 5 3 यानी 2:3 तो करंट 3:2 में जाएगा उल्टा हो जाएगा करंट इसमें ज्यादा जाएगा 3:2 इसमें जाएगा 2:2 इसमें जाएगा किसका 1 एम्पीयर का तो 1 एम्पीयर का टोटल रेशियो कितना हो गया 1/5 तो आई वन कितना हो जाएगा 1/5 × 3 और आई टू कितना हो जाएगा 1/5 × ये समझ में आया मेथड यस सर वापस सुनो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है ये ऐसे बोर्ड में तो नहीं आता है बोर्ड में आएगा तो जो कुमकुम ने किया वो आप कर सकते हो बट कंपटीशन वगैरह में फास्ट तरीके से आप कैसे कर सकते हो कि भाई मुझे पता है करंट इनवर्स रेशियो में जाएगा इनवर्स रेशियो का मतलब पहले आप इसके रेशियो करो तो ये 10 था तो 2 5
सॉरी 5 2 10 5 3 15 तो 2:3 के रेशियो में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का रेशियो 2:3 है, तो करंट का रेशियो क्या हो जाएगा उसका इनवर्स, यानी 3:2 का रेशियो हो जाएगा। अब ये 3:2 का रेशियो किसका, जो करंट आ रहा है उसका ना, तो आपने क्या किया 1/टोटल यानी 3+2 यानी कि 5, ये तो हो गया 1 यूनिट, तो 3 यूनिट किसके अंदर जाएगा इसके अंदर, तो इंटू 3 अपन ने I1 के लिए कर दिया और I2 के लिए इंटू 2 कर दिया। समझ में आया सभी को? यस सर। यस आई वांट सम। यस सर। आ गया हो तो ओके। और जो कुमकुम ने मेथड लगाया वो अलग नहीं है, वो भी कुछ ऐसे ही, बट वो थोड़ा सा बेसिक मेथड है कि भाई आप आर इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर इसमें ऐड कर दो टोटल वोल्टेज आ जाएगा, फिर इसमें जो ड्रॉप हुआ उसके अलावा इनको मिलेगा, फिर वहां से वी आ गया R1 तो I1 आ जाएगा, I2 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड AC? तो AB और AC के लिए अब आप निकाल सकते हो सिंपल सा V=2, तो ये I1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/5 यानी 0.6 एम्पीयर आंसर हो गया, और I2 कितना है 2/5 यानी 0.4 एम्पीयर। तो अब I1 I2 सब पता है, तो AB के अक्रॉस कितना हो जाएगा VAB, सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं सॉल्व, कितना आया आंसर 5। VAB कितना आया 5 AB के अक्रॉस, नहीं 5 नहीं आएगा, एक सेकंड, T=IR 5 इज द राइट आंसर, और बाकी दूसरा BC के बीच में आपने AC लिखा है, सॉरी AC, हाँ चलो AC के बीच में बता दो, तो उसके लिए BC निकालना पड़ेगा, BC का 6 है और टोटल मतलब AC के बीच में 11 है। वेरी गुड, तो AC का आया 11 वोल्ट, सबका यही आ रहा है क्या, सिर्फ कुमकुम का ही आ रहा है? लक्षित क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया बेटा? यस सर, समझ में तो आ रहे हैं। समझ में आ रहा है, सॉल्व नहीं किया था कल? सर मैं कल आया नहीं था ना लाइव पे। ओके कोई बात नहीं। पलक, रुचि आंसर नहीं आ रहे, कुछ चुपचाप बैठे हो, रुचि इतना लेट ज्वाइन किया, वाय देखो AC का मतलब है इन दो पॉइंट्स के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ का तो अपने पास आ गया 5 वोल्ट, तो इसका बी और सी के बीच में निकालने के लिए कोई भी एक ले लो, I1 into R1 कर दो, तो I1 BC के लिए क्या किया, I1 कितना है 0.6, I1 into R1 into R1 कितना है 10, तो ये कितना आ गया 6 वोल्ट। अब अपन से पूछा है A से लेकर C तक, तो यानी कि VAC आपका क्या हो गया, ये कहाँ से आया VAC, ये क्या है VAB प्लस VBC प्लस 6 यानी कि 11 वोल्ट, इज दैट क्लियर? हाँ, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? यस सर, टोटल क्लियर। कितना है टोटल? 11 ओम। 11 ओम आएगा, सही है, 11 ओम इज द राइट आंसर, तो आर टोटल हो जाएगा 11 ओम। कुछ नहीं करना है, ये दोनों पैरेलल में, तो 10 और 15 का आ जाएगा आपका 6 प्लस 5 करोगे तो आ जाएगा 11, ट्राई कर लेना, सिंपल है। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये मेरे पास स्विच है के, क्वेश्चन क्या कह रहा है रीड करो, अच्छा क्वेश्चन है, किसी का आया आंसर?
सर 0.9 एम्पीयर है क्या? 0.9 हाँ 0.9 एम्पीयर इज द राइट आंसर. क्या बात है, या तो तुम लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो या मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ या दोनों है. जीरो पॉइंट नाइन एम्पीयर इज द राइट आंसर. और किसी का आंसर आ रहा है क्या, क्या सॉल्व करूं? प्रियांशु सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन? नहीं हुआ तो बोलो बेटा, कोई बात नहीं. यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल्स एंड द एमिटर बोथ हैव नेगलिजिबल रेजिस्टेंस, यानी इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है. वैसे होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, ऐसी कोई भी कंपोनेंट नहीं है जिसका रेजिस्टेंस कंडीशन अपन कंसीडर नहीं कर रहे. जब आपकी आवाज नहीं आ रही थी. सॉरी, आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है? यस सर. आई एम सेइंग द क्वेश्चन इज सेइंग द सेल एंड द एमिटर हैव नेगलिजिबल रेजिस्टेंस, यानी इनका रेजिस्टेंस नहीं है. होता है ना, हर चीज का रेजिस्टेंस होता है. ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है जिसका रेजिस्टेंस नया हो. कुछ का कम होता है, कुछ का ज्यादा होता है, बट जीरो अपन नहीं बोल सकते. बट वो आप पढ़ोगे हायर क्लासेस के अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस करके एक चीज होती है. खैर एनीवे, रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, ये सारे एक जैसे रेजिस्टर्स है. ये तीनों रेजिस्टर्स जो लगे हुए हैं ये ऑल आर आइडेंटिकल, यानी सबका रेजिस्टेंस, सबका नेचर, सबका सब कुछ सेम है. अब ये क्वेश्चन कह रहा है विद द स्विच के इज ओपन, जब ये स्विच ओपन था तब एमिटर, ये जो एमिटर लगा हुआ है इसके अंदर रीडिंग कितनी आ रही थी, 0.6 एम्पीयर. इसका क्या मतलब हुआ? लक्षित म्यूट कर लो बेटा अगर कुछ कह नहीं रहे हो तो, है ना. तो यहाँ पे ये स्विच ओपन है तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.6 एम्पीयर. तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द एमिटर रीडिंग व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज्ड हो जाएगा तब एमिटर रीडिंग कितनी आएगी, वो आपसे पूछा गया. यस सर, समझ आ गया. एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालनी. पहले एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस नहीं था, कंबाइंड नहीं हो रहा था, है ना. तो इनके अंदर 0.3 जा रहा था तो 0.6 आंसर आ गया. अब एक बंद और कर दिया तो इसमें भी 0.3 जाएगा क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है. Yes, बात समझ में? Yes, sir. भाई इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है, जब स्विच ओपन था तो आइडेंटिकल स्विच है तो लेट अस से अगर टोटल करंट यहाँ पे मेरे पास आई है तो यहाँ पे आई बाय टू जाएगा, यहाँ पे भी आई बाय टू जाएगा. और इस वक्त वी इक्वल्स टू आई इंटू आर बाय टू है क्योंकि मैंने बताया था कल अगर दो आपस में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, है ना, और वो पैरेलल में और सेम है तो आर बाय टू आर इक्विवेलेंट हो जाएगा. तो अभी आई मेरे पास क्या हो गया, वी टू वी बाय आर हो गया. ठीक है, जब मेरा ओपन था स्विच. अब अगर क्लोज हो गया तो क्लोज हो गया, वोल्टेज तो वही रहा. अब जो टोटल करंट हो जाएगा आई डैश वो R बाय थ्री हो जाएगा. बाय थ्री, क्योंकि देखो तीनों रेजिस्टेंस है और R इक्विवेलेंट R बाय थ्री हो जाएगा. तो अब I डैश क्या हो जाएगा, V थ्री V बाय R, और V बाय R टू V बाय R की वैल्यू कितनी थी, या सिंपल से ऐसे बोल दो इसको, I की वैल्यू तो यहाँ पे पता है अपन को 0.6 बाय टू इक्वल्स टू V बाय R. ये लिख सकता हूँ, तो V बाय R की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. I डैश मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0.6 बाय 2. तो ये हो जाएगा 1.8 बाय 2, यानी I डैश आपका हो जाएगा 0.9 एम्पीयर. आई बात समझ में? Yes. इस तरीके से ये मैंने सॉल्व किया और प्रूव भी किया. और लॉजिकली आप सोच सकते हो बिना पेन उठाए कि यहाँ पे आधा करंट जाएगा आधा करंट जाएगा, तो 0.6 हो गया. तब एक और लगा दूंगा तो यहाँ पे से भी 0.3 जाएगा, तो तीनों का मिला के कितना हो गया, 0.9. चलो नाउ द 8th क्वेश्चन.
आंसर फॉर द एट क्वेश्चन कौन बताएगा? सर फर्स्ट का 5/2 2.5 ओम 5/2 या फिर 2.5 ओम. वेरी गुड 2.5 ओम. और किसी का इसके अलावा कोई आंसर या फिर यही आ रहा है? सर यही आ रहा है. चलो और सेकंड का आंसर सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं, इजी है ये तो. 5/5 और 5/5 1.6 क्या रहा है सर? 1.6 एम्पियर. तो नेक्स्ट का है? हाँ नेक्स्ट से पूछ रहा हूँ. हाँ 1.6 एम्पियर. हाँ तो सेकंड पार्ट का आ जाएगा करंट शोन बाय द एमिटर, यानी टोटल करंट पूछा है आपसे, तो आपका 4/2.5 करना है बस. 1.6 एम्पियर. इजी था ये क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th एंड द लास्ट क्वेश्चन. आंसर फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. 6 ओम वाले रेजिस्टर में कितना करंट जाएगा और व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम? किसी ने किया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. हाँ सर 0.6 एम्पियर. 0.6 नहीं बेटा, और किसी का इसके अलावा? सिंपल है ये तो. 0.4 बार आते अगर उस 0.4 बार यानी 0.44 एम्पियर इज द राइट आंसर. कैसे किया? सिंपल है यार ये तो. देखो कैसे करना है इसको. ये 4 वोल्ट का सोर्स है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास दो कनेक्शन है दोनों पैरेलल में, लेकिन इस तरीके से ये 6 ओम है, ये 3 ओम है सीरीज में, ये 12 और ये 3 सीरीज में. तो आपसे पूछा 6 ओम यानी इस वाली ब्रांच के अंदर कितना करंट जाएगा, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट अस से ये मेरे पास टोटल करंट आई है, इसके अंदर I1 करंट गया होगा, इसके अंदर I2 करंट गया होगा, लेकिन इन दोनों ब्रांच पे ये जो पॉइंट्स है इन पे पोटेंशियल डिफरेंस तो ये रहेगा 4 वोल्ट का, कि मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो कांस्टेंट रहता है दोनों के लिए. तो इस पूरी ब्रांच को कितना मिला? 4 वोल्ट. तो ओम्स लॉ लगाओ, V=I1 × R S1. आर एस वन यानी इन दोनों को मिला के ये आर एस वन हो जाएगा मेरे पास, यानी कि 4 वोल्ट I1 मुझे निकालना है, RS1 यानी सीरीज में, तो ये दोनों का ऐड कर दो कितना हो गया 6+3, तो 4 = I1/9, ये 9 तो I1 is 4/9, 4/9 को डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आएगा 0.44, चलता रहेगा ये 444 आता रहेगा, तो 0.44 एम्पियर इज द राइट आंसर. किसी को प्रॉब्लम अभी तक इस क्वेश्चन में कैसे आया ये? आई वांट थम्स अप अगर समझ में आ गया हो तो. लक्ष्य समझ में नहीं आया? सर आ गया. ओके पलक, आज पलक कुछ बोल नहीं रही है. पलक नाराजगी है क्या कोई? कोई बात नहीं, नाराज है, चलो मनाएंगे बाद में. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, सिर्फ 12 ओम के अक्रॉस बताना है. टोटल होता तो 4 वोल्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे बताना है आपको सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. यस एनी आंसर? 3.2. आवाज धीरे आ रही है कुमकुम. 3.2 वोल्ट. वेरी गुड, 3.2 वोल्ट इज द राइट आंसर. और किसी का कोई आंसर सेम या अलग?
सर कैसे किया वो बताओ आप, कुछ नहीं करना है, वही है आपका I1 into, अब देखो यहाँ पे 0.44 एम्पियर गया है, तो पहले I2 निकालो, तो I2 भी इसी तरीके से निकालेंगे अपन, I2 क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 15, 12 प्लस 3 यानी 15, तो 4 अपॉन 15 कितना हो गया आपके पास 2 पॉइंट कितना आएगा या 4 अपॉन 15 ही रख लो, अपन को वैसे ही डेसिमल में चाहिए। I2 आ गया, अब मेरे को चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम के लिए क्या हो जाएगा I into I2 कितना आ गया 4 by 15 into R कितना है 12, तो ये हो गया 1248 अपॉन 15, इसको सॉल्व कर लो 48 अपॉन 15, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ 45, तो पॉइंट लगा यानी कि बचेगा 30, तो 3.2, तो ये हो गया 3.2 वोल्ट, आया समझ में? Anyone having doubt? No sir. No sir. कोई डाउट है क्या किसी को? No sir. No sir. चले आगे, अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको अपन कवर कर लेते हैं, कल वैसे अपन ने कवर कर लिया था, लेकिन एक दो तीन छोटी मोटी चीजें हैं, वो अपन देख लेते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये मैंने कल बताया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला, इसमें कुछ दो तीन पॉइंट से वो डिस्कस कर लेते हैं। वन ऑफ यू प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। Priyanshu, start reading from this. The generation of heat in a conductor is an inevitable consequence of an electric current. In many cases, it is undesirable as it converts useful electric energy into heat. In electric circuits, the unavoidable heating can increase the temperature of the components and alter their properties. However, heating effect on electric current has many useful applications. The electric laundry iron, electric toaster, electric oven, electric kettle and electric heater are some of the familiar devices based on Joule's heating. ये अपन कल discuss कर चुके हैं. Wait. ये अपन कल discuss कर चुके हैं. मैंने बताया था कि inevitable consequences का मतलब ये वही side effect की बात कर रहा है कि generation of जो heat होती है conductor के अंदर आप उसको avoid नहीं कर सकते. कहीं पे अनडिजायरेबल होती है क्योंकि ये अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देती है और ये इंक्रीज करती है टेम्परेचर कंपोनेंट का और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनको वो चेंज कर सकता है। हाउएवर हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिकल हैज मेनी यूजफुल एप्लीकेशन, इसके कुछ यूजफुल एप्लीकेशन भी है जो अपन ने कल डिस्कस किए। नाउ कंटिन्यू ये म्यूट नॉइज आ रही है लगता है इलेक्ट्रिक स्टार्ट द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब हियर द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज इज पॉसिबल सो दैट इज दैट इट गेट्स वेरी हॉट एंड एमिट्स लाइट इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेंपरेचर अ स्ट्रांग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट 3380 degree Celsius is used for making bulb filaments. The filament should be thermally isolated as much as possible using insulating support, etc. The bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of filament. Most of the power consumed by the filament appears as heat, but a small part of it is in the form of light radiated. Okay, ये जो पैराग्राफ है इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ, काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस पैराग्राफ से काफी, ठीक है। क्या है ये ओवरऑल क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है आपका जो फिलामेंट वाला जो बल्ब होता है जो येलो कलर का पीला कलर का बल्ब आता है सभी के घरों पे होगा वो, ठीक है, उसके अंदर जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होती है। कैसे,
जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ जो चार्जेस है वो उस फिलामेंट जो मेटल का बना हुआ है उससे फ्लो होता है. जब करंट फ्लो होता है तो वो फिलामेंट हॉट यानी उसका टेम्परेचर राइज होता है और वो फिलामेंट होता है आपका टंगस्टन का. ठीक है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ने पर भी वो मेल्ट नहीं होता. तो एक क्वेश्चन आता है व्हाई टंगस्टन इज यूज एज एन बल्ब फिलामेंट, एज अ बल्ब फिलामेंट. तो आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज इट इज हैविंग अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट डज नॉट मेल्ट एट इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये आंसर हो जाएगा. देखो ऑप्शन में ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कितना ज्यादा होता है. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट, बिकॉज जैसे ही वो हीट होता है तो वो लाइट को ग्लो करता है. जैसे मैंने कल एग्जाम्पल बताया था व्हेन वी हैमर अ आयरन पीस, बार बार हैमर करने से वो लाल कलर का हो जाता है, लाइट एमिट करने लग जाता है. लोहार यही तो करता है ना, ब्लैक स्मिथ यही तो करता है कि बार बार हैमर को हीट करता रहता है, वो हीटअप जनरेट होता है. तो कोई भी चीज हीट होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है मेटलिक कंडक्टर्स की कि जैसे ही आप उनको ज्यादा हीट करोगे दे विल एमिट लाइट, और उसी लाइट को अपन एज अ फॉर्म ऑफ लाइट अपन अपने घरों में यूज करते हैं. ठीक है, तो ये जो फिलामेंट है इसको आइसोलेटेड किया जाता है ताकि ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ऑक्सीडेशन ना हो जाए, है ना. तो इसलिए अपन क्या करते हैं उस बल्ब के अंदर कुछ गैस फिल कर देते हैं ताकि जैसे ही वो लाइट एमिट करे उसका टेम्परेचर राइज हो तो वो किसी और के साथ रिएक्शन ना करे. क्योंकि अगर मेटल ने किसी और के साथ रिएक्शन कर लिया तो फिर वो मेटल अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है. ठीक है, सो दैट इज द रीजन द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटेड सपोर्ट एंड द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट. आपका बल्ब बहुत टाइम तक यूज कर सको आप, इसलिए अपन बल्ब के अंदर इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस फिल अप करते हैं बिकॉज वो फिर किसी के साथ रिएक्शन ना करे. इनएक्टिव वर्ड का मतलब क्या हुआ, किसी के साथ वो रिएक्शन जो टंगस्टन मेटल है वो किसी के साथ रिएक्शन ना करे क्योंकि उसके अंदर अपन ने इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन को फिल कर दिया. सो मोस्ट ऑफ द पावर जो आपकी बल्ब की होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट के अंदर, बट ए स्मॉल पार्ट इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड. पहले वो हीट होता है, ज्यादातर एनर्जी उसको हीट करने में लग जाती है. जैसे ही वो हीट होगा वो ऑटोमेटिकली लाइट एनर्जी को क्या कर देगा, एमिट कर देगा. ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई रिपीट वंस अगेन, इसको अंडरलाइन कर लेना आपकी बुक के अंदर. ये सारा इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ये पूरा जैसे काफी एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड के अंदर. Why inactive gas is filled? Why the tungsten is used? How an electric bulb works? ये सारा इसके अंदर आ गया. Now Kumkum read the next paragraph. Another common application of Joule's heating is the fuse used in electric circuits. It protects circuits and appliances by stopping the flow of any unduly high electric current. The fuse is placed in series with the device. It consists of a piece of wire made of a metal or an alloy of appropriate melting point. For example, aluminium, copper, iron, lead, etc. If a current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. This melts the fuse wire and breaks the circuit. The fuse wire is usually encased in a cartridge of propylene or similar material with metal ends. The fuses used for domestic purposes are rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, etc. For an electric current which consumes 1 kilowatt electric power when operated at 220 volt, a current of 1000 divided by 220 ampere, that is 4.54 ampere will flow in the current in the circuit. In this case, a 5 ampere fuse must be used. Okay. ये पूरा पैराग्राफ आपका डिनोटेड है फ्यूज के लिए, है ना. ये बहुत बार अपन घरों पे सुनते हैं, कॉमन एग्जांपल है कि फ्यूज उड़ गया, इसका क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है फ्यूज उड़ गया का क्या मतलब है?
सर फ्यूज जब हीटिंग इफेक्ट के कारण सर वो मेल्ट हो जाता है फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाती है. मेल्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाती है. बहुत अच्छा पॉइंट बोला इन्होंने लक्षित ने. तो अगर ये डिस्कनेक्ट होता क्यों, अपन क्यों चाहते हैं ये डिस्कनेक्ट हो जाए, व्हाई देयर इज अ यूज कि मैं चाहता हूं कि ये डिस्कनेक्ट हो जाए. हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट आ जाती है. हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट आ जाती है तो ओके. चलो और कोई रीजन. फिलामेंट टूट जाता है. फिलामेंट टूट जाता है. चलो और कोई रीजन. यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट समझा बनाया है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू द वर्किंग ऑफ अ फ्यूज. ये मेरे पास फ्यूज है. यहाँ देखो नीचे कुछ लिखा हुआ आ रहा है. 4 एम्पियर दिख रहा है आपको नीचे. देखो 4 एम्पियर दिख रहा है करंट रेटिंग. यस. तो ये जो फ्यूज है ये 4 एम्पियर तक तो चलेगा, लेकिन जैसे ही मेरा करंट सर्किट के अंदर 4 एम्पियर से ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. अभी देखो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस लेट अस से अभी देखो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, सिंपल सा एक ही रेजिस्टेंस लगाया जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया है 10 वोल्ट का. तो अभी जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज करूंगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. वोल्टेज इज 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 4 ओम. इतना क्या टाइम लगा रहे हो. रेजिस्टेंस क्या है. Resistance is 4 ohm and voltage is 10 volt. So 10 divided by 2.5 ampere. 2.5 ampere, yes. तो अभी देखो जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज कर रहा हूँ देखो 2.49 लगभग आ रहा है. 2.49 यानी 2.5 ampere. तो अभी सर्किट कंप्लीट है इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है. अब ध्यान देना बहुत अच्छे से, मैं क्या कर रहा हूँ इसका रेजिस्टेंस कम कर रहा हूँ. एक पॉइंट ऐसा आएगा ये देखो ब्लास्ट हो गया. यस. ये वापस से देखना एक बार. अभी देखो 3.5 है. जैसे ही मैं रेजिस्टेंस कम करूंगा ये देखना फ्यूज उड़ जाएगा ब्लास्ट बुश एकदम से. देखना 1 2 3 दिखा. यस सर. क्यों हुआ ये ऐसा. yes. Why this is so? क्योंकि करंट सर्किट में 4 एम्पीयर से ज्यादा होने लग गया था. इसको देखो यहाँ पे रीडिंग देखो एमीटर के अंदर अभी 3.32 है. ठीक है. रेजिस्टेंस कम कर रहा हूँ वैल्यू देखो 3.98. अब हल्का सा कम करते ही देखो 4 एम्पीयर से ज्यादा हो जाएगा. जैसे ही ज्यादा होगा फ्यूज उड़ जाएगा. ये देखो करंट जीरो हो गया. क्यों. क्योंकि सर्किट मेरा ब्रेक हो गया, फ्यूज उड़ गया, लाइट चली गई. सो दिस इज द केस एंड द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज. अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को वापस से पैराग्राफ को. जूल्स हीटिंग पे वर्क करता है फ्यूज. क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास ये जो अंदर ये जो zigzag लाइन देख रहे हो आप, ये जो बार बार ब्लास्ट हो रहा है ये zigzag लाइन क्या है, एक तरह का अलॉय या फिर आप कह सकते हो मेटेलिक वायर की तरह है जिसका अपन मेंटेन करके चलते हैं. जैसे ही एक पर्टिकुलर अमाउंट से करंट ज्यादा होगा वो अपने आप क्या होगा, हीटिंग होगी और अपने आप वो मेल्ट हो जाएगा. मेल्ट होते ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज. अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फ्यूज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है देन यू विल आंसर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आज भी घरों में यही यूज हो रहा है. इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट. जैसे ही सर्किट में मान लो किसी की वजह से ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के अंदर मान लेते हैं कभी बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाएगा अपने सर्किट में, तो ऑटोमेटिकली अपना घरों में जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसके अंदर फ्यूज लगा होता है, तो अपने घरों में करंट
ज्यादा फ्लो होने से पहले ही फ्यूज उड़ जाएगा और ज्यादा करंट अपने अप्लायंस में फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये वर्क होता है फ्यूज का। फ्यूज इज ऑलवेज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ मेटल और एन अलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। वो डिपेंड करेगा आपको रेटिंग क्या रखनी, जितनी ज्यादा रेटिंग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि करंट हीटिंग डिपेंड करता है करंट के ऊपर। ओके, द फ्यूज इज सॉरी इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर ऑफ मेटल एंड अलॉय, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एंड कॉपर आयरन लेड एक्सेट्रा। इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर विल इंक्रीज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। If a current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse will increase. This melts the fuse wire and breaks the circuit. जो अपन ने अभी देखा था यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे value मैं कम करता हूँ, वैसे वैसे current की value increase होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं इसको कम करता जा रहा हूँ, current की value को देखते जाओ यहाँ ammeter में increase होती जा रही है और ये आपका मेल्ट हो गया। तो क्यों मेल्ट हुआ, क्योंकि इसकी रेटिंग कितनी है 4 एम्पियर। अब मैं इसको अगर रेटिंग बढ़ा देता हूँ, लेट अस से 7 एम्पियर कर देता हूँ और इसको वापस मैंने रीकनेक्ट कर दिया, तो देखो बल्ब वापस ग्लो हो रहा है। अब करंट देखो, देखो 4 से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि मैंने रेटिंग बढ़ा दी, तो अभी ये अलाउ कर रहा है करंट को फ्लो होने में। जैसे जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ, ये देखो करंट की वैल्यू, ये देखो बट फिर से फ्यूज उड़ गया आपका। क्यों, क्योंकि अभी इसकी रेटिंग है 5 एम्पियर और करंट कितना फ्लो हो रहा है अभी 4.97 एम्पियर। अब हल्का सा कम करते ही ये फ्यूज हो गया। तो आप इसकी रेटिंग चेंज कर सकते हो, दैट विल डिपेंड अपॉन द डिवाइस, आप क्या यूज करना चाह रहे हो। द फ्यूज वायर इज यूजुअली एंकेज इन अ कार्टेज ऑफ प्रोक्लेन और सिमिलर मटेरियल विद द मेटल एंड्स। ये मेटल एंड्स है इसके, ये देखो बाद में ये जो सिल्वर कलर का दिख रहा है आपको, ये मेटल एंड्स है इसके, ठीक है। The fuse also used for domestic purpose, rated at ये different rating है, 1 ampere, 2 ampere, अपन ने 4 ampere और 5 ampere का देखा अभी। For an electric iron, sorry, 4 ampere और 7 ampere का देखा। For an electric iron which consumes 1 kilowatt electric power when operated at 220 volt, a current of this much amount, that is 4.54 ampere flow, तो अपन यहाँ पे 5 ampere का fuse लगा देंगे, यानी अगर current किसी वजह से 5 एम्पीयर से ज्यादा होगा तो वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और आपका जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो खराब होने से बच जाएगा। क्योंकि अगर ज्यादा करंट आपके इलेक्ट्रिक आयरन में फ्लो हो गया तो इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर भी कुछ आपके कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक मदरबोर्ड होती है, सर्किट बोर्ड होता है, तो अगर वहां पे ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो वो कनेक्शन मेल्ट हो जाएगा, तो आपके इलेक्ट्रिक आयरन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है फॉर द इलेक्ट्रिक फ्यूज। समझ में आया सभी को? यस सर। यस, एक्सप्लेन किया है मैंने, सारा कुछ समझाया है थ्योरेटिकल पॉइंट से। ये नोट कर लेना, क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो व्हाट इज द वर्किंग ऑफ फ्यूज, हाउ एन इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स, व्हाट इज द यूज ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, why we use high melting point metals in making of bulb filament, ye sare aapko yaad rakhna, why the inactive gases are filled in the bulb, ye sare answer aapko aane chahiye, ek bar read wapas se kar lena after the class gets over। ab ye chhota sa topic reh gaya hai, ye apan next class mein karenge, halanki maine power aapko padha diya hai but ye mujhe padhana hai ki यूनिट क्या होता है, वन कमर्शियल यूनिट जो अपन बोलते हैं उसको, कमर्शियल यूनिट ये क्या चीज है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो वर्कशीट मैंने आपको डिस्कस कर ली, अपन ने वर्कशीट के अंदर जिसके क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो रहा है या जिसने सॉल्व नहीं किए वो एक बार फिर से सॉल्व करना उस वर्कशीट्स को। अभी मैं पीडीएफ इस क्लास की अभी भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे ऊपर, ठीक है। एंड अब मुझे एक बात बताओ, टेस्ट कल कंडक्ट करें या मंडे को? मंडे को। मंडे मंडे सर, प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कल अपन एक काम करते हैं, कल छोटा सा टॉपिक है वो कंप्लीट करके एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
तो एक काम और कर लेना, एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर है लास्ट में, वो एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर देना सॉल्व, वो अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? और मंडे को तो टेस्ट है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मोस्ट प्रोबेबली कल अपना कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। सो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अपने फ्रेंड्स जितने भी है, दो तीन दिन मंडे तक अपन यही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको शेयर करो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ थोड़ी बैच इंक्रीज हो ताकि अपने पास, ठीक है सर? टेस्ट कैसे कंडक्ट होंगे? टेस्ट कैसे कंडक्ट करेंगे? टेस्ट कंडक्ट करने के लिए मैं आपको उसी वक्त पेपर दूंगा जब क्लास स्टार्ट होगी, 6 बजे आपको पेपर मिलेगा। आपको एक काम करना है, यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमरा, और उसी ड्यूरेशन के अंदर यानी 1 आवर का जो टाइमिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सेट करूंगा। यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमरा, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके सबमिट कैसे करना है, सबमिट आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने शेयर किया था पर्सनली, आपको उसकी फोटो खींच के मुझे सेंड करना आफ्टर द क्लास गेट्स, मतलब 7 जैसे ही टाइम ओवर होगा, यू हैव टू क्लिक द फोटोग्राफ फ्रॉम योर मोबाइल, जो भी आपके पास अवेलेबल है डिवाइस, उसको क्लिक करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करना। और सर आज मैंने आज ज्वाइन किया है, तो देखो इट्स अप टू यू, ये आपकी विश है, मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। जो टेस्ट देना चाहता है उससे क्या हुआ, आप अपना प्रिपरेशन करो, आप अपने लेवल पे प्रिपेयर करो, क्वेश्चन पूरे चैप्टर से होंगे, आप अपने लेवल पे तैयारी करो। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, प्रीवियसली रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो, ठीक है? मंडे को टेस्ट होगा, 6 बजे स्टार्ट होगा पेपर, में उसी वक्त आपको सबमिट करूंगा, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा उसी वक्त। और आपको ऑन रहना है कैमरा, अगर कैमरा ऑन नहीं होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा आप उसी वक्त पेपर दे रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, या म्यूट कर देना अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैमरा शुड बी ऑन। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। प्रियांशु, कविता, पलक, आई वांट थम्स अप अगर क्लियर है तो। जरूरी नहीं है मेरे पास लैपटॉप हो या ना हो, क्योंकि पापा कभी कभार ऑफिस में लेके चले जाते हैं, तो अगर हुआ तो मैं कैमरा ऑन कर दूंगी, अगर मैं कंप्यूटर पे होंगी तो नहीं कर पाऊंगी। ओके, नो प्रॉब्लम, ट्राई करना अगर पॉसिबल हो जाए तो, और इसे पापा अंदर ही रखते, पर अभी कुछ मेल या कुछ पेमेंट करना होता है तो पापा बाहर ऑफिस में ले जा देते, फिर उधर मना करा हुआ है कि ऑफिस की साइड नहीं आना है। कोई बात नहीं, बट सबमिट तो आप टाइम पे कर सकते हो फोटो खींच के, उसमें तो कोई, हाँ हाँ वो तो मैं कर दूंगी, क्योंकि जब तक इवैल्यूएशन नहीं होगा आप क्या परफॉर्म कर रहे हो तब तक मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है? नहीं, कैमरे का कह रही थी मैं, बाकी तो मैं कर दूंगी। ओके फाइन, सो कल एक्सरसाइज क्वेश्चन ट्राई करना, मोस्टली तो अपन ने कवर कर लिया, एक छोटा सा टॉपिक रह गया यूनिट कमर्शियल यूनिट, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके बाय, थैंक यू, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। ओके, once again happy birthday Priyanshu।